प्रेज भाइयों और बहनों, आप सबको मसीह यीशु में सलाम। आज हम जिस शख्सियत के बारे में जानने को जा रहे हैं, पहला सैमुएल और सैमुएल नबी की हालात ज़िंदगी के बारे में। हज़रत सैमुएल के बारे में कहा जाता है कि वो काजियों में से आखिरी काजी थे और बड़े नबियों में से पहले नबी थे, जिनकी मौजूदगी में पेशनगोइयों का आगाज शुरू हुआ और जिसने दो बादशाहों को मसा किया, शाऊल बादशाह को और दाऊद को। और बहुत सारे लोग ये खुशी महसूस करते हैं कि वो अपने बच्चों के नाम सैमुएल रखें। हज़रत सैमुएल की वालदा ने उससे खुदा के खिदमत के लिए हैकल में छोड़ दिया था, जिसका उसने खुदावंद के साथ वादा किया था कि ऐ खुदा, अगर तू मुझे बेटा दे तो मैं उसे तेरे हजूर पेश करूंगी। सैमुएल नबी के वालदैन के नाम बताएं। जी, वेरी गुड। हज़रत अलकाना की कितनी बीवियाँ थीं? दो। पहली का नाम क्या? हन्ना। और दूसरी का नाम? हन्ना और फन्ना। वेरी गुड। हज़रत अलकाना और हज़रत हन्ना की किस जगह इबादत करते थे? वेरी गुड। हज़रत हन्ना सैमुएल नबी की माँ के कितने बेटे और बेटियाँ थीं? तीन बेटे और बेटियाँ। वेरी गुड। कितनी बार खुदावन ने सैमुएल को बुलाया? चार बार। वेरी गुड, वेरी गुड। सैमुएल के कुल कितने बहन भाई थे? वेरी गुड। सैमुएल इसराइल में कितनी उम्र तक काजी रहा? हाँ जी, सारी। वेरी गुड। सैमुएल नबी के कितने बेटे थे? दो। कितने? दो। वेरी गुड। सैमुएल नबी के बेटों के नाम क्या हैं? वेरी गुड। सैमुएल नबी के बेटों का किरदार कैसा था? जी, विश्वसनीय थे और अदालत में जज का दर्जबदारी करते थे। वेरी गुड। सैमुएल नबी और शाऊल बादशाह की पहली मुलाकात किस शहर में हुई? कहाँ? सूफ के इलाका में। वेरी गुड। शाऊल बादशाह के अलावा और किस बादशाह को मसा किया? शाऊल बादशाह। वेरी गुड।